त्योहार आ रहा है, मिठाई बनाना तो बनता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना कि मीठा खाने का तो मन है, लेकिन ज़्यादा मेहनत करने का मन नहीं है। आज एक ऐसी मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बिना मेहनत की बिल्कुल 10 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी ये मिठाई। तो इसके लिए मैंने ली हुई है 1 कप सूजी। कोई भी कप या कटोरी आप नाप के लिए ले सकते हैं। तो इसको डाल देंगे पैन में, और इसके बाद इसमें मैंने 2 चम्मच डाल दिया है घी। ये बिल्कुल छोटी चम्मच है, इससे 2 चम्मच हम घी डाल देंगे। इससे क्या होगा, जो मिठाई बनेगी ना अच्छी सौंधी सौंधी बनती है। और सूजी को बिल्कुल मध्य आंच पे हमें 5-6 मिनट भून लेना है, कलर चेंज नहीं करेंगे, बस मध्य आंच में इसको थोड़ा सा भून लेंगे। तो बस इस तरह से जो भुनी हुई सूजी से जो मिठाई बनके तैयार होती है ना, उसका खाने का मज़ा ही अलग होता है। इसके बाद मैंने 1 कप सूजी ली थी, तो उस हिसाब से मैं 2 कप इसमें दूध डाल दूंगी। अभी मैंने 1 कप दूध डाला है, 1 कप बाद में डालेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एकदम से दूध इसमें डाल देंगे ना, तो कई बार इसमें लम्स भी पड़ जाते हैं, गुठलियाँ आ जाती हैं, तो फिर वही मेहनत करनी पड़ेगी इसको, फिर मिक्स करो और एक एक गुठलियाँ को तोड़ो। तो दूध थोड़ा थोड़ा सा करके मिक्स करना है। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप बनाएंगे ना, तो मिठाई बहुत बढ़िया बनेगी आपकी। 1 कप सूजी ली है, तो 2 कप दूध इसमें लग जाएगा। और ये देखो बैटर भी अच्छे से गाढ़ा हो गया है, और बिल्कुल मध्य आंच पे ही इसे हमें चलाना है, आंच को तेज़ नहीं करना गैस की। मिठाई बहुत सरल है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगती है। चलिए गैस से उतार लिया है मैंने, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और बस अब इसको हमें एक प्लेट में डाल देना है। इससे क्या होगा, ये जो बैटर बना के तैयार किया हुआ ना, ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, मतलब हाथ से इसको हम टच कर लेंगे, इतना ठंडा हमें इसको करना है। एकदम से बहुत ठंडा नहीं करेंगे, नहीं तो इसकी वॉल्स ही नहीं बनेंगी। चलिए जब तक बैटर ठंडा हो रहा है हमारा, तब तक चाशनी की भी तैयारी कर लेते हैं। 1 कप ली हुई है मैंने शक्कर, और इसमें डाल देंगे 2 कप पानी, और बस इसको अच्छी शक्कर घुलने तक चाशनी को हमें बना लेना है। एक तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनाएंगे, बस चिपचिपी सी चाशनी बना के तैयार कर लेंगे। और ये जो मिक्सचर है ना, इसमें मिला देंगे आधा कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर मिलाने से जो मिठाई बना के तैयार करेंगे ना, बहुत बढ़िया फ्लेवर आ जाता है, अच्छी लगती है वो खाने में। वो सूजी का फ्लेवर नहीं आएगा, मतलब कई बार होता है ना ऐसा कि खाते हैं तो वही टेस्ट आ जाता है सूजी वगैरह का, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसमें मिल्क पाउडर आप ज़रूर मिला दीजिए। और ये देखो दूसरी साइड चाशनी भी हमारी बन के तैयार हो गई है। बस इतनी ही चाशनी हमें चाहिए, 1 तार 2 तार इसमें हमें नहीं बनाना है। बहुत सरल मिठाई है, इसको कोई भी बना के तैयार कर सकता है। इसके बाद इसमें मिला देंगे आधा चम्मच इलायची का पाउडर, और बस मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसकी जो मेन प्रोसेस होती है ना, वो यही होती है, अच्छे से हाथों से कम 5-6 मिनट इसको मिक्स करना है। मैं अगर ये मिक्स आप अच्छे से नहीं करेंगे ना, तो जब आप बॉल्स को कढ़ाई में डालेंगे ना तलने के लिए, तो वो उसमें जाते ही से फट जाएंगी, क्रैक हो जाएंगी, फिर वो मज़ा नहीं आएगा, सारी मिठाई हमारी ख़राब हो जाएगी। देखो कितना चिकना हो गया हमारा आटा। तो 5-7 मिनट का समय तो इसमें लग जाएगा, इसको अच्छे से मसल मसल के मिक्स करना है। ये देखो मैंने बॉल्स बना के तैयार की हुई है, और एक भी क्रैक इसमें नहीं आया है। आप किसी भी शेप में इसको बना के तैयार कर सकते हैं, लेकिन गोल गोल जैसे रसगुल्ले बनाते हैं ना, वैसा मत बनाइए आप इसको, क्योंकि अगर गोल गोल बना के आप कढ़ाई में तलने के लिए डालेंगे ना, तो उसके फटने के चांस ज़्यादा रहते हैं, और फिर वो क्या होगा ना कि उसमें जो चाशनी है ना, वो अच्छे से नहीं भरेगी। तो थोड़ा सा चपटा करके बनाइए, इसके अंदर चाशनी अच्छे से भर जाएगी, और ये जो है ना फटेगी भी नहीं। देखो मैंने बना के तैयार कर लिए हैं, और तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। बिल्कुल स्लो आंच पे इसको हमें तलना है, तेज आंच पे बिल्कुल भी नहीं तलेंगे। तेज आंच होगी तो ऊपर से तो डार्क हो जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी, तो बिल्कुल स्लो आंच पे इसको हमें तलना है। तो तलने में भी हमें 5-6 मिनट का समय तो लग ही जाएगा, उलट पलट करके जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता ना, तब तक इसको हम तलेंगे। अभी त्योहार का सीजन चल रहा है, और रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो इस तरह से आप मिठाई बना के घर में तैयार कर सकते हैं। खोवे वगैरह हम बाज़ार से लेके आते हैं, कितने मिलावटी होते हैं हमको नहीं पता होता है कि उसमें क्या क्या मिला हुआ होता है। तो इस तरह से आप ये रस भरी बनाएंगे ना, तो ये जो रस भरी है बहुत बढ़िया लगती है खाने में, बिल्कुल वही टेस्ट आएगा जैसे आप रसगुल्ले को खा रहे हैं।
₹10 में ही बनके मिठाई तैयार हो जाएगी। और ये देखो अच्छा सा कलर आ गया है इसमें, कलर चेंज हो गया है और अच्छे से ये सिक गई है दोनों साइड से, तो बस इसको हम निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं कि कढ़ाई में एक भी रसभरी बिल्कुल फूटी नहीं है, ना ही क्रैक हुई है। ये देखो क्या बढ़िया लग रही है, बिल्कुल कुरकुरी है ये। और बस दूसरी साइड चाशनी है, वो भी हल्की कुनकुनी है, एकदम से ठंडी चाशनी में इसको हमें नहीं डालना है, चाशनी हल्की सी कुनकुनी होना चाहिए हमारी। और बस इसमें हम डाल देंगे, और अभी इसको नहीं खाना है, कम से कम आधा घंटा इसमें हम इसको डला रहने देंगे, उसके बाद इसको खाएंगे। आधा घंटे में ही इसमें चाशनी अच्छे से भरेगी, अच्छे से हिला डुला के। और ये देखो कितनी अच्छी चाशनी है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज़्यादा गाढ़ी है और ना ज़्यादा पतली है। वो एक दो तार की चाशनी हमें नहीं बनाना है। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है ना कि चाशनी ही बनाते नहीं बनती है, तो इसमें तो कोई झंझट है ही नहीं। आप इस तरह से चाशनी बनाएंगे ना, बिल्कुल ऐसा रखना है हमें कि बस शक्कर घुल जाए और चिपचिपी सी हो जाए, बस इतनी ही चाशनी बनाना है। और ये देखो आधा घंटा हो गया और मैं आपको बता रही हूँ जो रसभरी है कितनी जूसी बनी है, सारी रसभरी में सीरा अच्छे से भर गया है। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे रसगुल्ला हो, लेकिन रसगुल्ला नहीं है, रसभरी है, वो भी सूजी से बनी हुई सस्ती सी मिठाई है, लेकिन खाने में बहुत बढ़िया लगती है। आप किसी भी चीज़ से डेकोरेट कर सकते हैं, तो मैंने तो अभी पिस्ता से ही इसके ऊपर डेकोरेट कर दिया है, तोड़ के बता रही हूँ आपको कितनी जूसी है। ये देखो कितने अच्छे से इसके अंदर सीरा भर गया है। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है ना कि ये जो सूजी की मिठाई बनाते हैं तो उसके अंदर सीरा नहीं जाता है, आप इस तरह से बनाइए, आपकी जो रसभरी है बहुत बढ़िया बनेगी, मैं गारंटी देती हूँ। इतनी सारी मत बनाइए, कम बनाइए, आधा कप ही सूजी का यूज करके बनाइए पहली बार में, वो बहुत अच्छी बन जाएगी। उसकी जो मैंने आपको टिप्स बताई है ना, आप वही टिप्स फॉलो कीजिए। एक कटोरी सूजी और 2 कटोरी दूध लेना है, एक कटोरी शक्कर लेंगे, 2 कटोरी पानी लेना है। जब बैटर अच्छे से बन जाएगा तो उसको हाथों से अच्छे से 5 मिनट फेंट लीजिए, मिठाई आपकी बहुत बढ़िया बन जाएगी। मैं थोड़ा सा टेस्ट करके भी देख रही हूँ कि कैसी बनी हुई है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। बताइए ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।